दोस्तों जब दर्शकों के बीच जाकर बोल कहती है तो दर्शकों में इसे पकड़ने की होड़ लगी रहती है, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीर भी देखने को मिलती है जब बोल को पकड़ने की होड़ नहीं बल्कि बोल से बचने की होड़ लगी रहती है। और ऐसा ही देखने को मिले इंडिया और वेस्टइंडीज के पहले T20 मैच में, जब कैरम पोलार्ड ने युजवेंद्र चहल की बॉल पर सिक्स लगाया और बॉल सामने बैठे स्टाफ की ओर जाती हुई दिखाई दी, तो वहां बैठा स्टाफ बॉल से बचने के लिए भागता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इसी मैच में एक और ऐसा वाक्य देखने को मिला जब रवि बिश्नोई ने पोलार्ड को बॉल कराई जो पैड से लग के विकेट के पीछे गई और ऋषभ पंत ने बॉल विकेट पर मारी। हालांकि रवि बिश्नोई ने LBW की जोरदार अपील की और रोहित शर्मा को भी कन्विंस करने की कोशिश की, जिसके बाद रोहित शर्मा ने भी ऋषभ पंत से बात करके DRS ले लिया। हालांकि इसी बीच अंपायर ने कहा कि स्टंप का वो रिव्यू खुद ही चेक कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी ये कहते हुए नजर आए, अच्छा हुआ DRS बच गया, और जब रिव्यू में देखा गया तो ना तो LBW आउट हो रहा था और ना ही खिलाड़ी स्टंप आउट था। तो ऐसे में टीम इंडिया का DRS बेकार नहीं गया।